नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 7 मई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 की संख्या में हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। सिर्फ मामले ही नहीं, कई इलाके में काफी दिन के अंतराल पर भी मामलों की पुष्टि की जा रही है, जिसका उदाहरण हाल ही में पटना के 2 पॉजिटिव मरीजों का मिलना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए 4th अपडेट तक के अनुसार एक बार फिर से नया मामला देखने को मिला है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 542 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित इलाकों में भागलपुर, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, पटना के मिले इलाके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पटना में एक बार फिर से मिला कोविड 19 का मरीज। पटना में बीते दिन एक बार फिर से कोविड 19 का पॉजिटिव मरीज पाया गया है। खबरों की माने तो पॉजिटिव मरीज बिहार स्वास्थ्य विभाग के तीसरे सूची में पॉजिटिव घोषित किया गया है। हालांकि अभी इस महिला में कोविड 19 के संक्रमण के चेन का पता नहीं लग पाया है, जो कि राजा बाजार की रहने वाली है। वहीं अगमगुआ में एक पुरुष में कोविड 19 पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित व्यक्तियों के आसपास के इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें बंद की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिसके तहत कृषि इनपुट सब्सिडी के कुल 151 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं स्कूल के रखरखाव के लिए भी राशि की स्वीकृति दे दी गई है। जिला स्तरीय स्कूल के प्राचार्य को राशि खर्च करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं हर साल 12 लाख खर्च करने को ऐलान भी जारी किया गया है। प्रखंड स्तरीय स्कूल के लिए सालाना 6 लाख के खर्च की अनुमति दे दी गई है और बिहार विधानमंडल बजट सत्र 2020 पर मुहर लगा दी गई है। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की रफ्तार हुई धीमी। बिहार में कोविड 19 के असर को देखते हुए सरकार ने अब घर घर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को शुरू करवाने की पहल तेज करने का आदेश जारी किया था। वहीं बीते दिन मिले मामलों के बाद बिहार के 32 जिले में कुल मरीजों की संख्या 541 हो चुकी है। हालांकि बीते 6 दिनों की बात करें तो 1 मई से कोरोना के नए मामलों के मिलने में कमी आई है। मई में अभी तक 111 नए मामले मिले हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार शुरुआती समय में 7 दिनों के बीच में दोगुने स्तर पर मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। वहीं 22 अप्रैल से 26 अप्रैल के दौरान यानी कि 4 दिनों में हालात कुछ स्थिर नहीं हुए थे, जिसके बाद 9 दिन यानी कि 26 अप्रैल से 5 मई के बीच में कोविड 19 से प्रभावितों की दोगुनी हो रही संख्या में गिरावट देखा जाने लगा, जिसके तहत जहां 26 अप्रैल को 277 मामले बिहार में थे, वहीं 5 मई को 536 मामले देखने को मिले। बिहार सरकार ने गरीबों को 1000 के साथ अन्य सुविधा देने का किया ऐलान। कोविड 19 के इस माहौल में बिहार सरकार हर संभव कोशिश करके गरीबों की मदद करने में जुटी हुई है। इसके तहत बिहार सरकार ने पहले सभी गरीबों को 1000 रुपए देने का ऐलान जारी किया था। वहीं अब सरकार ने साफ तौर पर फैसला लिया है कि अब आम लोगों को मात्र 7 दिन के अंदर में राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा, जिसके बाद अब बिना राशन कार्ड वालों को राशन आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। वहीं सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 1000 से भी उनकी काफी मदद हो पाएगी। गया के रेड जोन की श्रेणी में रखने पर बिहार सरकार ने उठाए सवाल। बिहार के गया को रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। वहीं गया को रेड जोन में रखने पर नीतीश सरकार ने सवाल उठाया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा है कि गया को रेड जोन में किस रूप में डाला गया है, जबकि वहां तो कोविड 19 से मिले मामलों में अब केवल एक ही मामला पॉजिटिव रह गया है। आपको बता दें, कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में बंद की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। वहीं इस दौरान सभी राज्यों के विभिन्न जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। वहीं बिहार में देखें तो प्रदेश के 38 जिलों में से 5 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं बाकी सभी जिलों को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। मई के अंत तक मैट्रिक के रिजल्ट की हो सकती है घोषणा। जहां एक तरफ बिहार बोर्ड ने इंटर के रिजल्ट को जारी करने का आदेश दे दिया था, वहीं अब मैट्रिक के रिजल्ट पर संशय की स्थिति बरकरार है। हालांकि बिहार बोर्ड समिति ने मैट्रिक के रिजल्ट पर सफाई देते हुए मई के अंत तक इसको जारी करने का ऐलान जारी किया है। वहीं बीते दिन से कॉपियों के बचे मूल्यांकन का काम भी शुरू हो चुका है, जिस पर बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कर कोविड 19 से बचाव से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मैट्रिक 2020 परीक्षा के शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू किया जा चुका है। जल्द ही के रिजल्ट आने की संभावना है। बिहार सरकार ने बिहार में मौसम के अनुरूप खेती करने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल खेती शुरू करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सहकारिता विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और बैठक के दौरान कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत मौसम के अनुकूल कृषि पाठ्यक्रम 8 जिलों में शुरू किया गया है। वहीं इन जिलों में अभी कार्य और ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है। आपको बता दें, भागलपुर, बांका, खगड़िया, मधुबनी, गया, मुंगेर, नालंदा और नवादा में मौसम के अनुकूल खेती शुरू की गई है। वहीं बारिश के कारण फसलों की बर्बादी के लिए कृषि इनपुट अनुदान का वितरण 15 मई तक पूरा कर लेने का आदेश भी जारी किया गया है।
बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में स्क्रूटिनी का जारी किया गया आदेश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12वीं के ऐसे छात्र को स्क्रूटिनी का अवसर देने जा रही है जो अपने मार्क से संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए अब छात्रों को 8 मई से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। अपने रिजल्ट से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार को 25 मई तक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार अप्लाई करते समय प्रति विषय 70 रुपए के हिसाब से देना होगा। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच में 24 मार्च को बिहार बोर्ड के इंटर के रिजल्ट की घोषणा की गई थी। बिहार सरकार ने मजदूरों और छात्रों को निजी बसों से लौटने पर भी किराया देने का किया ऐलान। बीते कई दिनों से मजदूरों द्वारा लिए जा रहे किराए पर राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं बिहार सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी करते हुए यह साफ कर दिया था कि ट्रेन से सफर करके बिहार पहुंचने वाले मजदूरों और छात्रों से ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ही बिहार सरकार ने जब निजी बस से बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों और छात्रों से भी किराया नहीं लेने का ऐलान जारी किया है। यानी कि अब छात्रों और मजदूरों की आवाजाही का सारा खर्चा बिहार सरकार अपनी तरफ से देगी, की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की इस परिस्थिति में विधायकों से सुझाव लेने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच अब उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए यह साफ किया है कि कोविड-19 की इस परिस्थिति में विधायकों का भी सुझाव लिया जाए, उनसे जानकारी प्राप्त करें और फिर उसके आधार पर ही कोई कदम उठाया जाए। इसके आगे उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि मुझे भी फोन करके अपने क्षेत्र की स्थिति बताते हैं और उस पर भी संज्ञान लिया जाता है। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि से भी संपर्क कर आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ जुड़े सभी नेताओं का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। कोटा के बाद अब पटना में फंसे बिहार के अन्य जिलों के छात्रों की होगी घर वापसी, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना में फंसे सभी बिहार के छात्रों को उनके घर वापस भेजा जाएगा, क्योंकि बिहार में कई जिलों के छात्र पटना के हॉस्टल लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं बंद के कारण सब जहां थे वहीं पर फंस गए हैं। इतना ही नहीं, बंद के ऐलान के बार बार हो रहे इजाफे को देखते हुए छात्रों की परेशानी भी बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुमार रवि ने फैसला सुनाते हुए पटना में फंसे सभी छात्रों को घर वापस भेजने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके बाद सभी छात्रों की सर्वे जल्दी कराई जाएगी। पटना शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी का आदेश मिलने के बाद ही जल्द ही सर्वे कर उनकी रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड-19 की जांच की क्षमता राज्य में बढ़ाने का जारी किया आदेश। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में ज्यादा से ज्यादा जांच की क्षमता को बढ़ाए जाने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 30,500 से अधिक कोविड-19 सैंपल की जांच हुई है। विभाग के द्वारा प्रतिदिन 25 सैंपल्स जांच कराने हेतु क्षमता विकसित की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में सीबी नेट मशीन का भी उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से कोविड-19 मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही राज्य के अब सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भी जांच की अनुमति के लिए ICMR से आग्रह कर दिया गया है। रेड जोन का जायजा लेने खुद निकल पड़े DGP गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के 5 जिले फिलहाल रेड जोन में आ रहे हैं। वहीं इन इलाकों का जायजा लेने के लिए DGP गुप्तेश्वर पांडे ने इसकी कमान खुद संभाली है, जिसके तहत बीते दिन वह पटना में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल करते हुए देखे गए, जहां उन्होंने जिले में किसी तरह की व्यवस्थाएं हैं इसका जायजा लिया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी ली है। आपको बता दें, बीते दिन DGP गुप्तेश्वर पांडे पटना सिटी के माल सलामी इलाके में पहुंचे थे। लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने का जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के सख्ती से पालन करवाते हुए थोड़ी ढील देने का भी फैसला किया है, जिसके तहत सरकार ने कई तरह की दुकान और संस्थान को खोलने का आदेश जारी किया है। यानी कि अब बिहार में कुछ नियमों के साथ पंखा, कूलर, AC की बिक्री और मरम्मत की दुकान को खोला जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, स्कूटी, मोबाइल, कंप्यूटर, UPS और बैटरी की दुकानों को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ऑटोमोबाइल, मोटर, गैराज, कार, बाइक मरम्मत की दुकान को खोलने की अनुमति भी जारी कर दी गई है। सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगाई है। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान एक दिन के अंतराल पर खोली जाएंगी, वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज खोला जा सकेगा। अपनी जिद छोड़ काम पर वापस लौटे शिक्षकों के ज्वाइनिंग वेतन से संबंधित जारी किया गया आदेश। बीते काफी समय से नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। वहीं कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही सरकार के साथ हुई बैठक के बाद सभी नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांग को खत्म करने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद सभी शिक्षक वापस काम पर लौटने भी लगे हैं। जिसके बाद शिक्षकों के योगदान और वेतन भुगतान को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में यह साफ कहा है कि लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद है, इसलिए विद्यालयों में योगदान की व्यवस्था निम्नवित की जाती है।
24 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 28,000 लोग आज आएंगे बिहार वापस। बंद के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 28,000 लोग आज 24 विशेष ट्रेनों के माध्यम से बिहार पहुंचने वाले हैं। एक दिन के अंदर में विशेष ट्रेन से आने वालों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, जिसके तहत उन्होंने यह कहा है कि विभिन्न राज्यों में बीते दिन 13 ट्रेनों से 14,951 लोग बिहार पहुंचे थे। आपको बता दें, इससे पहले 10 ट्रेन बिहार पहुंची थी, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने 2 दिन पहले कहा था कि बिहार आने वाली 60 ट्रेनों की सूचना विभिन्न राज्यों ने दे दी है और अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। वहीं स्टेशन पर सभी लोगों को उनके संबंधित जिलों और फिर वहां से उनके प्रखंड मुख्यालय में राज्य सरकार वाहन से भेज रही है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी जोर शोर से करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब लोगों की तरफ आ रही प्रतिक्रियाओं पर किया फोकस। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते असर के साथ ही बिहार के कोने कोने से लोगों की अलग अलग सवाल और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्यान देने का ऐलान किया है। जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ अन्य वरीय अधिकारियों के साथ एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें बिहार के अंदर ताजा हालात की समीक्षा की गई। योजनाओं के अंतर्गत आ रही शिकायतों पर ध्यान देने की बात कही गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों द्वारा जारी किए जा रहे सभी सवालों का जवाब देना चाहिए, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, सभी आम नागरिकों के हर मोर्चे पर मदद की जाए। पटना में प्राइवेट ऑफिस को खोलने का जारी किया गया ऐलान। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच पटना में प्राइवेट ऑफिस खोलने का ऐलान जारी किया गया है, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पटना के प्राइवेट दफ्तर हफ्ते में 3 दिन के लिए खोले जाएंगे, जिससे कि अब पटना में प्राइवेट दफ्तर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि प्राइवेट ऑफिस में 33% उपस्थिति के साथ ही इन दिनों पर काम करवाया जाएगा। हालांकि उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को अभी नहीं खोलने का ऐलान जारी किया है। अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच बिहार में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है, जिसके तहत जदयू नेता अजय आलोक ने हाल ही में तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बड़े ज्ञानी के पास ज्ञान सामान्य ज्ञान की कमी है, क्योंकि प्रदेश में 20,000 ट्रेन है और वो कह रहे हैं कि 12,000 ही ट्रेन है। हालांकि हमें उम्मीद थी कि 50 ट्रेन और 2,000 बस का पैसा जमा करा देंगे, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव तो पता नहीं कि गवर्नेंस कैसे होती है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग नहीं करेंगे तो क्या संदेश जनता के पास जाएगा। कांग्रेस ने सरकार को एक बार फिर लिया आड़े हाथ। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को उनके घर वापस भेजा जा रहा है। वहीं इसी बीच बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक सरकार पर मजदूरों को जबरदस्ती रोके जाने की राजनीति शुरू की है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस संगठन के प्रभारी बृजेश पांडे और युवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा है कि बिहार के मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक से बिहार आने वाले मजदूरों को रोकने की कोशिश की गई है, और यही कारण है कि उनकी ट्रेन को इसी मंशा से कैंसिल करवाया गया है। रेल टिकट के नाम पर बढ़ते विवाद के बीच लोगों को याद आए लालू यादव। बिहार में रेल टिकट के नाम पर जारी राजनीति के बीच लोगों को अब लालू यादव की याद आने लगी है, क्योंकि साल 2008 में लालू यादव ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुफ्त में ट्रेन चलवाई थी। वहीं दूसरे राज्यों से वापस बिहार लाने के लिए सरकार ने पहले सभी मजदूरों और छात्रों से किराए की वसूली की थी। हालांकि हरकत में आई सरकार ने बाद में अपने आदेश को वापस लेते हुए सभी छात्रों और मजदूरों के फ्री में यात्रा करवाने का आदेश जारी किया था। शिवसेना के बयान पर राजनीति हुई शुरू। शिवसेना ने बीते दिन सामना अखबार में एक लेख में मजदूरों की तुलना सीधे तौर पर पालघर मामले से की थी, जिसमें विशेषकर नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की निंदा की गई थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की थी, जिस पर भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि शिवसेना को अपना कर्तव्य देखना चाहिए। जिस तरीके से शिवसेना ने राज्य में खाने पीने की ठीक से सुविधा नहीं दे पाई है, उसकी वजह से प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में लौटने पर मजबूर हो गए हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, लेकिन दूसरों को नसीहत जरूर दे रही है। वहीं जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार सरकार अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभा रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। रविंद्र जडेजा भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन फील्डर। उक्त बयान भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी प्रवीण आमरे ने लाइव इंस्टाग्राम सेशन में दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन फील्डर है। आपको बता दें, प्रवीण आमरे द्वारा दिए गए इस बयान के यह भी कहा गया है कि रविंद्र जडेजा अब तक के सबसे बेहतरीन फील्डर को उन्होंने अब तक देखा है। वो काफी अच्छी तरह से एंटिसिपेट करते हैं और जबरदस्त थ्रो करते हैं, जो कि किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद जरूरी है। बिहार के टॉप में इन जिलों का नाम है शुमार। बिहार में कोविड 19 से प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इसी क्रम में बिहार के प्रभावित जिलों में पटना, मुंगेर, रोहतास, नालंदा, सिवान समेत अन्य जिलों से प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इन इलाकों को रेड जोन में डाल दिया गया है, जहां अब तक पटना के 44 मरीज, मुंगेर के 102 मरीज, रोहतास के 52 मरीज, बक्सर के 56 मरीज और नालंदा के 36 मरीज
की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक बिहार में 28,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वहीं बिहार में कोविड 19 की जांच के लिए 7 जांच केंद्र भी फिलहाल एक्टिवेट मोड में काम कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रमोद कुमार, प्रवीण सिंह, रुद्र सिंह, ललन कुमार, कृष्ण कुमार सिंह, वीरेंद्र यादव, प्रहलाद कुमार, गुंजन कुमारी, चांदनी कुमारी, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद आलम, आलोक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी प्रवीण आमरे द्वारा रविंद्र जडेजा को भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन फील्डर की उपाधि देना आपके अनुसार कितनी सही है कितनी नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।